गाइस बिगिन माय न्यू वीडियो। तो आज से आज के वीडियो में बात करने वाले हैं वीवो T3 फोन में कॉलर आईडी अनाउंसमेंट को आप ऑन कैसे करें। आप जैसे अगर किसी का नाम या फिर नंबर आप सेव करते हैं, ठीक है, नंबर को सेव करते समय तो आपके पास जब कॉल आती है वहां पे नाम्स और नंबर से शो होता है, बट वहां पे कोई भी अनाउंसमेंट आपको नहीं होता है। तो ये जो सेटिंग है, अगर आप इसको इनेबल कर लेंगे, ठीक है, आप किसी भी नाम से नंबर को सेव करके रखे रहेंगे, बिल्कुल गाइस वहां पे नाम लेके बताएगा कि आपके पास किसकी कॉल आ रही है। तो कॉलर आईडी अनाउंसमेंट को ऑन कैसे कर सकते हैं, आपके पास जब कॉल आएगी वहां पे नाम लेके बताएगा आपके पास कॉल कैसे किसकी आ रही है। तो इस सेटिंग को अगर आप भी इनेबल करना चाहेंगे बिल्कुल गाइस कर सकते हैं। साइड में लेके फोन मिलेगा आपको, इसके लिए पहले करना क्या, अपने फोन में डायलर को ओपन गाइस कर लेना। डायलर को ओपन करेंगे राइट साइड में थ्री डॉट का ऑप्शन, यहाँ पे गाइस क्लिक कर लेना। आपको मिलेगा कॉल हिस्ट्री, उसके नीचे मिलेगा सेटिंग, तो सेटिंग पर गाइस क्लिक कर लेना है। यहाँ पे क्लिक करेंगे नीचे आपको स्क्रॉल डाउन कर लेना है, कॉलर आईडी अनाउंसमेंट का एक सेटिंग है यहाँ पर गाइस क्लिक कर लेना है। कॉलर अनाउंस कॉलर आईडी का ऑप्शन है यहाँ पर गाइस क्लिक कर लेना है। ऑलवेज का है, ओनली व्हेन यूज ए हैंडसेट, और उसके नीचे आपको नेबर का ऑप्शन है। नेबर पर गाइस अगर आप क्लिक करके रखेंगे आपके पास कोई भी कॉल आएगी, इसका जो अनाउंसमेंट है कि वहां पे नाम लेके बिल्कुल गाइस नहीं बताएगा किसकी कॉल आपके पास आ रही है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके पास कॉल आए वहां पे नाम लेके बताए किसकी कॉल आ रही है, ऑलवेज वाले ऑप्शन पर गाइस क्लिक कर देना है। इस पर जब क्लिक कर देंगे बिल्कुल गाइस आपके पास कोई भी कॉल आएगी, ठीक है, अगर नंबर सेव रहेगा जिस नाम से तो वहां पे नाम लेके बताएगा, बट अगर आपके फोन में नंबर नहीं सेव है तो वहां पे नंबर बताएगा किसकी कॉल आपके पास आ रही है। तो अगर आप भी अपने फोन में इस सेटिंग को गाइस इनेबल गाइस करके अपने फोन में जो कि कॉल आने पर बाद नाम बताए किसकी कॉल आ रही है, तो आप बिल्कुल इस सेटिंग को इनेबल गाइस कर सकते हैं और अपने फोन में आप इसको बिल्कुल यूज गाइस कर सकते हैं।